देख रहे हो पापा जी का थोड़ा बहुत आराम मिला है और पापा जी व्लॉग व्लॉग देख रहे हैं, ठीक है। तो पापा जी का व्लॉग के प्रति देख रहे हो कितना वो है कि पापा जी की तबीयत भी खराब थी और फिर भी यही कि चलो ठीक है अब थोड़ा आराम मिला है और भगवान करे अभी ज्यादा दिक्कत ना हो। राम राम जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू व्लॉग गाइस, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। और गाइस इस धनतेरस ब्लॉग की हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट से, ज्वालापुर मार्केट से, क्योंकि हम आ चुके हैं यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए, ठीक है। क्योंकि धनतेरस है और धनतेरस वाले दिन कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, तो इसीलिए मम्मी जी के साथ में आ चुका हूँ और मम्मी जी मार्केट में उतर गई हुई है दूसरी साइड दूसरी दुकान में, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ, भाई बहुत जाम लग रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। गाइस त्यौहार वाले दिन तो यहाँ पे अल्टीमेट जाम रहता है, और गाइस रात में तो ऐसा सीन होगा पैर रखने की जगह नहीं होने की। बाकी और बाकी गाइस सब नोटिस कर रहे हैं, तो थोड़े से थोड़ा सा आपको सामने का व्यू दिखा देता हूँ, है ना भैया। क्या बेच रहे हो? अरे भैया यहाँ से वो बेच रहे, सॉक्स बेच रहे हो क्या? जुराबे बेच रहे भैया, बहुत बढ़िया। अरे भैया यार, भैया बोल नहीं सकते, ले लो भैया। है भैया, है मेरे पास बोनी है, बोनी बोनी। अरे भैया बोनी तो हो गई होगी आपकी, ना ना ना। अरे भैया मेरे को अभी चाहिए नहीं, सही बता रहा, अगर चाहिए होती तो मैं ले लेता आपसे। भैया नहीं चाहिए, सॉरी 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 यार। देखो ये बात मुझे अच्छी लगती है, बट यार जब है तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे हम धनतेरस के अवसर पे चांदी का सिक्का लेने के लिए आ गए हैं, और ये देखिए गाइस कितना प्यारा है। मम्मी जी ने मेरे दूसरा सिलेक्ट किया उधर से, और ये देख रहे हो भैया आज चांदी के सिक्के बिक रहे होंगे हैं भैया बढ़िया करके। तो ये है चांदी के सिक्के भाई, इस पे लिखा 1 रुपी इंडिया। कुछ लोग नहीं, और मम्मी जी का फिर वही बार्गेनिंग यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे है चांदी के सिक्के का पर्स जो मम्मी जी ने लिया ना अभी, चांदी का सिक्का। ये देख ये गाइस, ये लिया है चांदी का सिक्का, इस पर बनाया श्री। तो भाई इसे एक शगुन माना जाता है ना धनतेरस पे लेने के लिए, धनतेरस पे जरूरी लेना होता है इसीलिए। और इधर से आते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं, और इधर से श्री। तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है। लो मम्मी जी लो, रख लो, बहुत बढ़िया गाइस। ज्वेलर शॉप कितनी बढ़िया है भाई साहब, एकदम चारों तो शीशे शीशे भाई, देख रहे हो। तुम्हारा भाई फुल रॉक कर रहा है। हमारे आ चुके हैं यहाँ पे प्रेस लेने के लिए, ये लो गाइस गाइस देख रहे हो, यहाँ पे हम प्रेस लेने के लिए आ चुके हैं बढ़िया करके। तो भाई फुल खरीदारी होगी आज हमारी, ठीक है, धनतेरस के अवसर पे। ये ले लेंगे मम्मी, ये वाली ले रही है भाई, देखो ये वाली। अरे गाइस गिफ्ट करनी है ना, एक को गिफ्ट करनी है, तो इसीलिए प्रेस लेने के लिए हैं। और हमने सिक्का ले लिया है, और मम्मी जी कोई बर्तन लेगी, है ना, बर्तन तो सारे हैं मोस्टली, तो देख लें क्या लेंगे। बाकी तो अभी प्रेस ले रहे हैं गाइस अच्छे तरीके से, और देखते हैं सिलेक्ट करते हैं कौन सी लेते हैं कौन सी नहीं, ठीक है। ये भी कंफ्यूजन में, कौन सी ले हुए प्रेस। मम्मी कौन सी ले रहे हैं? हाँ ये वाली बढ़िया लग रही है, और एकदम देखने में ना सेट लग रही है। ये देख रहे हो, ये हो गए मेरे प्रेस तैयार, और लेके चल रहे हैं। चलो मम्मी जी देखो कितनी जल्दी कर रही है। डिग्गी में रखना क्या? चलो डिग्गी में रखता हूँ। स्वादिष्ट यहाँ पे सेब ले जा रहे हैं मम्मी जी के, स्वादिष्ट सेब मम्मी सेलेक्ट करती हुई घर में मस्त तरीके से खाएंगे। देख लो इनके ऊपर क्या लिखा, ये तो बेकार बीस्ट क्वालिटी। ओ भाई साहब लो, मम्मी जी को बेकार भी मिल गया, बहुत सही। अभी यहाँ पे खील पतासे ले जा रहे हैं मम्मी जी के, जो कि दिवाली की पूजा में और भाई दूज में काम आते हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम वाइट लग रहा है ना, एकदम फ्रेश लग रहे देखने में, तो काफी अच्छा रेट भी है, सही है। तो यहाँ पे मस्जिद के पास में ले रहे हैं ज्वालापुर में मार्केट में ना, बस अभी आखिरी रह गया, उसके बाद हम घर चलते हैं। गाइस खील यहाँ पे रखी जा रही, इसलिए हम कट्टा ले गए थे पूरा भरने के। मम्मी साइड में तो रह गया, ये लो गाइस देख रहे हो, 3 किलो तो गाइस काफी जगह से खील जाएगी ना, इसलिए हमें खील भेजनी है ना, इसलिए गाइस देख रहे हो पूरा कट्टा भर गया नीचे तक, 3 किलो। मम्मी कन्फ्यूज होगी फिर से। हाँ 1 किलो ये पूरा 1 किलो हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके 2 किलो, ये 2 किलो, ये सारी खील है ना इसमें। हाँ और सबसे नीचे परमल है, 2 किलो हो गए जी। हाँ 2.5 किलो, ये 2.5 किलो, और ये 3 किलो, ये लो। और ये 50 से। तो मम्मी जी मुझे आगे सामान रखना पड़ेगा, तो बहुत मुझे आके समय लगना पड़ेगा वो भाई। 1 किलो, 2 किलो, आप इन्हें पहले नीचे रखो, खेल ये टूट जाएंगे ना। 2 किलो कुछ ऐसे चल रहे हैं, आधे किलो 1 किलो, आधे किलो 1 किलो। ये हो गए जी आपके
3 किलो ये लो एकदम बराबर, और ये 4 किलो बतासे अलग अलग एक बस। मम्मी कितना कंफ्यूज हो गए भाई, मम्मी अलग ही बात मम्मी अलग कंफ्यूज हो जा। हाँ अभी 3 ही लगाओ, 3, 6 और 4 तक। हाँ 10 किलो हो गया, 250 ग्राम घटानी है। लो 250 ग्राम घटानी है। हाँ 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 ठीक है जी, ये हो गए आपके 975। 975 तो भाई ये कट्टा मेरे को पूरा भर के लेके जाना है भाई साहब, तगड़ा। अब चलते हैं घर, क्योंकि इससे ज्यादा सामान अब लोड नहीं किया जाएगा। मम्मी जी और मेरे पे देख रहे हो, हम दोनों पे बहुत ज्यादा सामान है, तो बस घर ही चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्कूटी पे इतना ही आ सकता है। तो चलो गाइस चलते हैं, लेट्स गो। देख रहे हो घर आ गया था मैं मार्केट से, और गाइस अब लगाते हैं यहाँ पे पूरे उसमें लीचियां, यानी कि लाइट्स पूरे यहाँ पे फ्रंट में लगाएंगे गाइस आगे, और ऊपर भी देखो, ऊपर का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। तो जल्दी से अब लगाना स्टार्ट करता हूँ, और अभी बच रहे हैं 4:15, और जल्दी जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो ये लो गाइस जितनी भी है ये रही, और इन्हें अब लगाते हैं, सेट करते हैं मस्त तरीके से मामला, ठीक है। तिवारी जी बता हेल्प करेगा मेरी, कैसे व्लॉग बनाएगा, ठीक है। तिवारी जी किट्टू कुमारी, तो भाई सबसे पहला काम है इन्हें अच्छी तरीके से खोलना, और टेस्टिंग हो गई थी सबकी, और अब बस इन्हें जल्दी जलाना है। और ये इस बार की नई लीची जो पूरी है 50 मीटर की, ये देख लो बहुत लंबी है, बहुत लंबी 50 मीटर की है। बाकी जल्दी जल्दी सभी खोलते हैं, पन्नियों को यहाँ पे अंदर भरते हैं, ठीक है। तो किट्टू कुमारी मेरी हेल्प करेगी, ये दो हथियार वो हैं जो हमारी लीचियों को जलाने में काम करेंगे, लाइट को जलाने में काम करेंगे। गाइस एक्सटेंशन को पूरा इसमें से तार में से मतलब उधर बोर्ड में से लेके आऊंगा इलेक्ट्रिसिटी, और इस वायर के थ्रू मैं सबको दूंगा इलेक्शन वगैरह कनेक्शन दूंगा सबको, तो उन सब लाइट्स में कनेक्शन इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू पूरा। तो बहुत बड़ी वायर है अभी, ठीक है। तो जल्दी से पहले इसे ओपन करता हूँ, और कनेक्शन वो ले करते हैं लाइट। मैं सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग में आइडिया आ रहा कि मैं एक 50 मीटर वाली पूरी डाल के देखता हूँ, फिर उसके बीच में ये एक दो डालूंगा, ये छोटे छोटे वाली 15 मीटर की, ठीक है। तो मैं पहले इसे ओपन करके देखता हूँ गाइस, इसे पहले चेक कर लूँ, यार मैंने चेक नहीं करा एक बार भी इसे भी, तो पहले से चेक कर लेता हूँ बढ़िया करके। ओ भाई ये लो है, ये देखो ऐसे चलेंगे तो बढ़िया लगेंगे ना। तो भाई पहले इन्हें डाल के देखता हूँ, पूरी 50 मीटर की है, तो इसे करके देखता हूँ। मुझे रामबान पता क्या मिला, ये देखो मुझे किनारा मिल गया दूसरी तरफ का, तो मतलब अब तो मेरी प्रॉब्लम मोस्टली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। भाई जी आखिरी गुत्ती सुलझानी ना भाई, बिल्कुल महाभारत काम हो रही, और बस ये हो गया यार, बस मैं क्या बताऊं, बार बार वो यही बोल रहा कि हो गया, बट ये हो ही नहीं रहा, थोड़ा सा आखिरी का पता नहीं हर बार बच जा रहा हर बार। और गाइस ये मैंने पूरी गुत्ती सुलझा दिया भाई, 20 मिनट लग गए, बट आपके भाई ने पूरी सुलझा दिया भाई साहब, देख रहे हो। अब दिखाता हूँ, ये बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बड़ी ये बड़ी लाइट्स की पता क्या दिक्कत है भाई, ये बहुत बार बार उलझ रही है यार, यार ये सबसे बड़ी दिक्कत है, तो इसलिए बहुत ध्यान से और सावधानी से करना पड़ रहा, क्योंकि इन ग्रिल्स में ना बार बार इन्हें फंसाना पड़ रहा है, पूरा गोल गोल घुमाना पड़ रहा है, तो इसलिए यार दिक्कत हो रही, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, एंड बाकी तो कर ही रहे हैं और बस डाल ही रहे, ठीक है। इस लाइट लगाते लगाते पापा जी की हो गई थी तबीयत खराब, तो पापा जी को डॉक्टर के दिखाने आ गए थे, तो डॉक्टर ने थोड़ी बहुत दवाई दी, बाकी तो नॉर्मल है कंडीशन। और गाइस हॉस्पिटल की थोड़ी बहुत डेकोरेशन दिखाता हूँ, हम तो कर नहीं पाए है ना, हमारा तो सीन हो गया मतलब पापा जी के साथ, ये मतलब आना पड़ गया, तो बाकी अब नॉर्मल हो गया, और बस अब घर चलते हैं, ठीक है। गाइस देख रहे हो, ये देखो भाई इस हॉस्पिटल में आए थे पापा जी को दिखाने के लिए, जया मैक्सवेल हॉस्पिटल, और इसमें देखो भाई गार्डनिंग में भी कितनी बढ़िया यहाँ पे डेकोरेशन की गई है, ओ भाई साहब। बट गाइस कभी भी हॉस्पिटल तो आना नहीं चाहिए भाई, पर क्या करें मजबूरी के टाइम पे तो आने पड़ता ना है ना। और बाकी तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बढ़िया यहाँ पे डेकोरेशन की गई है, और रे भैया बहुत बढ़िया भी लग रहा होगा मैं क्या दिखा रहा, बट यार सही बता रहा, कुछ पॉजिटिव करने पॉजिटिव तो रखना ही पड़ता है अपने आपको है ना, नेगेटिविटी जिंदगी में बहुत है, बट पॉजिटिव रहने के लिए बहुत जरूरी है ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत ये देखा कि लाइट वाइट चलो दिखा दूँ, बाकी तो चलो ठीक है, पापा जी की तबीयत खराब हो गई थी, अब थोड़ा आराम मिल गया और डॉक्टर साहब को दिखा दिया, तो टेंशन भी थोड़ी कम हो गई। एंड गाइस मेरे को थोड़ा फीवर लग रहा है, तो मेरी हालत थोड़ी सी खराब हो रही, तो मैं भी दवाई लूंगा, ठीक है। और बाकी मैं चलता हूँ और आपको दिखाते पूरा यहाँ का कैसा सीन है। और गाइस आज तो लाइट नहीं लग पाई, सॉरी गाइस, क्या कर सकते हैं, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो, अब और नहीं दिखा रहा मैं।
रहे हो आज अपनी छत पे अंधेरा है, बाकी देखो काफी जगह पे तो भाई ये लाइट वाइट लग गए, बट यार क्या करें यार, प्रॉब्लम जब आ जाती है तो कुछ नहीं कर सकते गाइस। तो अब अंधेरा हो गया और बस अब मैं नीचे चल रहा हूँ गाइस, ठीक है। हॉस्पिटल से तो मैं आ गया था और गाइस उसके बाद मैं भी अपने लिए दवाई लेने के लिए चला गया था क्योंकि मेरे को हो गया था फीवर। और गाइस मैं मानता हूँ ये व्लॉग वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था, भाई धनतेरस है बट वो धनतेरस वाली फीलिंग नहीं आ रही और गाइस सारा मूड ही खराब हो गया, मतलब सब कुछ ऐसा हो गया कि घर में बीमारी हो गई, पापा जी को हो गई, मेरे को हो गई, तो और मेरे अंदर से वीकनेस मतलब इतनी हो रही ना, अब तो खड़ा होने का तक काम नहीं कर रहा, कैमरा तक पकड़ने का मन नहीं कर रहा। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मेरी तरफ से राम राम जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बस नेक्स्ट ब्लॉग में ये वाली फीलिंग ना हो, ये वाला वाइफ ना हो, ठीक है, चलो बाय बाय।